जिसमें हम बात करेंगे डेली रूटीन की। तो जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए डेली रूटीन होना बहुत यूजफुल होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने 24 घंटे किस तरह से यूज करने हैं। तो अगर हम 8 से 10 घंटे पढ़ें, 1 से 2 घंटे हम योगा और योग करें, 6 से 7 घंटे हम सोएं। अब इस 24 घंटे को हम अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर लें, नेचुरली, जैसे मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, हम मान लो सुबह 4 बजे उठते हैं, 4 से 10 का जो टाइम है 6 घंटे का, हम 5:30 तक एक्सरसाइज और योगा करके फ्री हो जाते हैं। तो 5:30 से 8:30 और 9 तक हम पढ़ सकते हैं। 9 से और 10 तक 1 घंटे में हम बाथ और ब्रेकफास्ट अकॉर्डिंगली। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। सेकंड पार्ट में हम शुरू का पहला आर 1 से 11, 10 से 11 हमें जो मन करता है वो करेंगे। 11 से 2 फिर से पढ़ें, 2 से 4 लंच करें और रेस्ट करें अकॉर्डिंगली। देन 4 बजे उठें, 4 से 8 तक पढ़ें, उसमें एक टी ब्रेक ले सकते हैं। 8 से 10 डिनर और वॉक अकॉर्डिंगली। 10 बजे अपने बेड पे आ जाएं, 10 मिनट ध्यान कर लें तो अच्छी नींद भी आएगी। 10 से 4 सोएं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और प्लीज़ कमेंट बताइए कि आपको कितना यूज़फुल रहा।